हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड मूवी की। ईयर 2004 में रिलीज हुई इस फिल्म को आईएमडीबी पर 4.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 26% एंड ऑडियंस स्कोर 27% मिला है। अगर आपने एनाकोंडा मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जंगल में दो शिकारी दिखाई गए जो वहां पर शेर का शिकार करना चाहते थे। अब वहाँ शेर उनमें से एक शिकारी पर हमला करता है तो वो नीचे एक तालाब में गिरता है। वो शिकारी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर तभी कोई जानवर उसे पानी में खींच के ले जाता है। अब न्यूयॉर्क शहर में गॉर्डन नाम के शख्स को दिखाया गया है। उसके इन्वेस्टर्स उससे काफी नाराज थे क्योंकि गॉर्डन ने सबको प्रॉमिस किया था कि वो ऐसी दवाई बनाएगा जिससे कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी आसानी से हो पाएगा, पर अब तक गॉर्डन ने इन्वेस्टर्स को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाया था। अब वो सब आगे की रिसर्च के लिए गॉर्डन को पैसे देने से मना करते हैं। तब गॉर्डन उन्हें कहता है कि आप सब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो क्योंकि उसकी टीम ने एक ब्लड ऑर्चिड नाम के खास फूल की खोज की है जिसे पेरानिया इमोर्टिस भी कहा जाता है। गॉर्डन का टीम मेंबर जैक कहता है कि ईयर 1892 में हाउटन नाम के शख्स ने इस फूल को सबसे पहले देखा था। ब्लड ऑर्चिड साल सात के बाद सिर्फ 6 महीने के लिए खिलता है। जैक कहता है कि हैफिक लिमिट इंसान की लाइफ के लिए मायने रखती है। अब ब्लड ऑर्चिड में कुछ ऐसे तत्व है जिसे हैफिक लिमिट बधाई जा सकती है, यानी कि कई साल तक इंसान यंग रहेगा। गोल्डन कहता है कि वो फूल बस 2 हफ्तों तक ही खिले रहने वाले और उसकी लोकेशन बोर्नियो में है। यह सुनकर इन्वेस्टर्स गॉर्डन को वहां जाने के लिए कहते हैं। अब वो सब ब्लड ऑर्चिड लाने के लिए पेडरंग बोर्नियो की ओर रवाना होते। बोर्नियो इंडोनेशिया का एक बड़ा आइलैंड था। इन्वेस्टर्स की ओर से वहां गेल नाम की लड़की आई थी। वही गॉर्डन की असिस्टेंट गर्ल सैम सबको कहते है कि हमें ले जाने वाली बोट खराब मौसम की वजह से नहीं आएगी। अब सबको ब्लड ऑर्चिड तक पहुंचने के लिए बोट की जरूरत थी तो वो सब वहां एक बिल नाम के आदमी से मिलते। उसके पास बोट थी और वो ही ऐसे मौसम में सबको वहां पर ले जा सकता था। बिल के साथ एक जैंक नाम का आदमी भी था जो उसकी हेल्प करता था। बिल सबको कहता है कि वो सबको उनकी राइट लोकेशन पर पहुंचा सकता है पर वो इसके लिए $7,000 लेगा। हालांकि यह ज्यादा था पर अब गेल और गॉर्डन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था तो वो सब आखिर बिल की बात मान जाते। अब दूसरे दिन वो सब बिल की बोट के पास आ गए थे जो दिखने में ठीक ठाक थी। वहां गॉर्डन का एक और टीम मेंबर कॉल जरूरी सभी इक्विपमेंट लेकर आ जाता है। कॉल के साथ बैन नाम का शख्स भी था। जैक गेल से कहता है कि कॉल बैन और सैम उसके ही काबिल स्टूडेंट्स है। अब बिल ने भी सारी तैयारी कर ली थी और वो सब बोट लेकर अपने सफर पर निकलते। गॉर्डन बिल से कहता है कि ब्लड ऑर्चिड तक 1 हफ्ते में ही पहुंचना होगा तो बिल कहता है कि वो उन सबको वहां टाइम पर पहुंचा देगा। उसी वक्त गेल किसी से डरकर बाहर आती है। बिल वहां जाकर देखता है तो वो उसका पालतू बंदर था जिसे देखकर गेल डर गई थी। अब रात हो चुकी थी। जैक अपनी स्टूडेंट सैम से बात कर रहा था तभी वहां पर बिल आता है। वो जैक से बात करना चाहता था। बिल कहता है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और यहाँ पर पानी का लेवल भी बढ़ रहा है तो ऐसे मौसम में वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सुनकर जैक कहता है कि कुछ भी हो हम अब वापस नहीं जा सकते, वो फूल पाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैक समझ गया था कि शायद बिल नहीं मानेगा तो वो बिल को और पैसे देने की बात करता है। तब बिल उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बिल देखता है कि बाढ़ आने की वजह से पानी बढ़ गया था। बोट अभी जैंग संभाल रहा था। वही बोट का स्टीयरिंग जाम हो गया था। बिल उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। वही आगे एक झरना था यानी कि वो सब अब नीचे गिरने वाले थे। आखिर वो बोट उस झरने से नीचे गिरती है। बोट पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी पर सब लोग ठीक थे। उनकी सारी चीजें और सारे इक्विपमेंट्स खराब हो चुके थे, बस एक सैटेलाइट फोन ही बचा था पर किसी को कॉल करके भी इस लोकेशन पर बुलाना इम्पॉसिबल था। बिल मैप देखकर कहता है कि वो सब टुकुट नदी के पास है और वहां पर बिल का एक दोस्त बोट लेकर आता जाता रहता है। बिल कहता है कि पर इसके लिए हमें जंगल के रास्ते जाना होगा, अगर सब ठीक रहा तो हम सब 10 घंटे में ही वहां पर पहुंच जाएंगे। अब बिल अपने दोस्त जॉन को कॉल करता है। बिल उसे कहता है कि वो सब उसे टुकुट नदी के पास मिलेंगे
और वह उसे हेल्प करने के लिए $2,000 देगा। अब जॉन के पास भी एक सैटेलाइट फोन और गन दिखाई गई है। वही बिल और बाकी सब उस जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें आगे एक छोटी मड रिवर दिखाई देती है। अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था तो वो सब उसमें से आगे बढ़ रहे थे। तब बिल का पालतू बंदर घबरा जाता है। बिल उसे शांत होने के लिए कहता है, तभी वहां हमें दिखाया गया है कि एक बड़ा सांप भी उसी तालाब में था। वो सब आगे बढ़ रहे थे, सबसे लास्ट बैन था। तभी कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है। वो सब देखते हैं कि किसी जानवर ने बैन पर हमला किया था। वही एक बहुत बड़ा एनाकोंडा सांप बाहर आकर बैन पर हमला करता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। तब एनाकोंडा को देखकर वहां से भागते और एक जगह आकर बैठते। सब लोग काफी घबराए हुए थे। बिल कहता है कि अब हमें जल्द ही टुकुट नदी तक पहुंचना होगा जिससे हम यहां से निकल सके। गैल भी कहते हैं कि अब उस बोट तक पहुंचकर जल्दी से गल जाना होगा। यह सुनकर जैक कहता है कि वो ब्लड ऑर्चिड फूल हमारे लिए जरूरी है और इसके बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जैक की बातों से सबको लग रहा था कि उसे बस फूल की परवाह थी और बैन की मौत का उसे कोई अफसोस नहीं था। अब बिल भी जैक से कहता है कि वो सब लोगों को सेफ जगह पहुंचा देगा। वो जैक को कहता है कि अब उसे पैसे भी नहीं चाहिए, यानी कि अब ब्लड ऑर्चिड तक पहुंचने के लिए जैक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो सब उसी रास्ते बोट तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी बिल कॉल को रोकता है। वो देखता है कि कॉल की पीठ पर बहुत सारे कीड़े चिपके हुए थे जो उसका खून पी रहे थे। बिल वो सारे कीड़े मार डालता है। वही गॉर्डन अपने सूज पहनने ही जा रहा था, तभी जैंग उसे रोकता है। वो गॉर्डन के सूज से एक स्पाइडर बाहर निकालता है। वो कहता है कि यह बहुत ही जहरीला स्पाइडर है, अगर उसने काट लिया होता तो गॉर्डन 2 दिन के लिए बेहोश हो जाता या फिर पैरालाइज हो जाता। जैंग उस स्पाइडर को मारने ही जा रहा था, तभी जैक एक डिब्बी में उस स्पाइडर को ले लेता है। जैक कहता है कि वो स्पाइडर सबको दिखाने के लिए अपने पास रखेगा। वही दूसरी ओर बिल के फ्रेंड जॉन को दिखाया गया है जो अपनी बोट लेकर टुकुट नदी के पास आ रहा था। तभी उसे वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। वहां पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था। वो जॉन को खींचने लगता है। उसी वक्त जॉन गलती से बोट की स्पीड बढ़ा देता है। वो एनाकोंडा उसे मार डालता है और उसकी बोट भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी चीज से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बिल को वहां पर बड़ा धमाका दिखाई देता है। वो सब उस जगह पर आकर देखते हैं तो जॉन की बोट पूरी तरह से तबाह हो गई थी और जॉन भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो सब वहां से जरूरी सामान लेने लगते हैं। वहां उन्हें रस्सी, टॉर्च और बाकी कुछ जरूरी सामान मिलता है। जॉन की मौत से अब उन लोगों के वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैंग कहता है कि यहाँ लोपाक्स आदिवासी रहते हैं, अगर हम उनका कबीला ढूंढ लेंगे तो वो सब शायद हमारी मदद करेंगे। अब वो सब उस कबीले की ओर आगे बढ़ रहे थे। वो कबीले तक पहुंच गए थे पर वहां पर कोई नहीं था। वहां पर एक मरा हुआ एनाकोंडा था जिसने एक आदिवासी को खा लिया था। शायद एनाकोंडा ने यहाँ आकर उसे निगल लिया होगा और सब लोगों ने उस एनाकोंडा पर हमला करके उसे मार दिया होगा। वहां पर कोई बोट भी नहीं थी, यानी कि एनाकोंडा सांप का खतरा ज्यादा होने की वजह से सब लोग यहाँ से चले गए होंगे। बिल सबको कहता है कि अब हमें खुद एक नाव बनानी होगी और उसके जरिए हम टुकुट नदी तक पहुंच जाएंगे। वो सब साथ मिलकर नाव बनाना स्टार्ट करते हैं। जैक एक जगह खड़ा था, तभी उसे वहां पर एक ब्लड ऑर्चिड मिलता है। वो सबको वहां पर बुलाता है। जैक कहता है कि एनाकोंडा कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता, पर शायद ब्लड ऑर्चिड भी उसके खाने का एक हिस्सा है और इसी वजह से वो ज्यादा जी रहे, यानी कि ब्लड ऑर्चिड की वजह से ही वो सांप इतना बड़ा हो पाया है। इन सांपों ने सेल्स को मोड़े जाने की लिमिट्स को बढ़ा दिया है। अब जैक कहता है कि हमें उस फूल तक पहुंचना होगा क्योंकि फिर कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पर गैल उसे सांप मना कर देती है। वो कहती है कि वहां जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां पर भी एनाकोंडा सांप होंगे। गॉर्डन और सैम भी जैक को वहां जाने से मना करते हैं। जैक अकेला हो गया था। वो समझ गया था कि अब ब्लड ऑर्चिड तक पहुंचने के लिए कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। वही सब लोगों ने यहां से निकलने के लिए एक नाव भी बना ली थी। अब गॉर्डन जैक का सामान देख रहा था तो उसे वहां डिब्बी में बंद किया हुआ स्पाइडर मिलता है। वही बैग में उसे एक गन और सैटेलाइट फोन भी मिलता है। वो सब सामान जॉन का था जो जैक ने छिपा के रखा था। तभी वहां जैक आ जाता है। गॉर्डन उसे कहता है कि फोन तुम्हारे पास था फिर भी तुमने किसी को क्यों नहीं बताया। तो जैक कहता है कि अगर उसने फोन के बारे में सबको बताया होता तो फूल ढूंढने में कोई उसकी हेल्प नहीं करता।
गॉर्डन उसे कहता है कि वो फोन करके किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुलाएगा और सब यहाँ से वापस चले जाएंगे। यह सुनकर जैक वह जहरीला स्पाइडर जैक पर छोड़ देता है। अब स्पाइडर के काटने से गॉर्डन नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। वही सब लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वहां गॉर्डन नहीं था तो सैम उसे बुलाने जाती है। वो देखती है कि गॉर्डन होश में नहीं था और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। सैम सब लोगों को वहां बुलाने के लिए आती है पर तभी एक एनाकोंडा सांप गॉर्डन के सामने आ जाता है। सैम भी बाहर आकर जैक को कहती है कि गॉर्डन की ऐसी हालत किसने की। तभी वो एनाकोंडा गॉर्डन पर अटैक करता है। उसकी चीख सुनकर सब लोग वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को निगल लिया था। वही दूसरी ओर जैक भी वो बोट लेकर वहां से चला गया था। वो सब फंस चुके थे। दूसरी नाव भी वो नहीं बना सकते थे क्योंकि रस्सी और जरूरी चीजें वो पहली नाव बनाने में यूज कर चुके थे। सैम सबको कहते हैं कि जैक नाव लेकर ब्लड ऑर्चिड को लेने जा रहा है और अगर हम सब जंगल के रास्ते गए तो उस तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें खतरा ज्यादा था पर यहाँ से निकलने के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वही जैक उस फोन से रेस्क्यू टीम को कॉल करके उसकी लोकेशन बता रहा था। वो कहता है कि उनकी बोट एक झरने से नीचे गिरी थी और तब से उसने किसी को नहीं देखा। वही दूसरी ओर सब लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वहां पर महसूस होता है कि एनाकोंडा नजदीक है तो वो सब वहां से भागते है। वहां से भागते हुए जैंग और कॉल बाकी लोगों से अलग हो जाते है। वो आगे बढ़ रहे थे तभी एनाकोंडा जैंग पर हमला करता है और उसे खींचकर पानी में ले जाता है। अब बाकी सब बाहर निकल गए थे पर कॉल अंदर फंसा हुआ था। उसे रास्ता मिल गया था तो वह उस और आगे बढ़ रहा था पर तभी एनाकोंडा भी उसके पीछे लग जाता है। पर राइट टाइम पर बिल कॉल को बाहर निकाल लेता है। वो एनाकोंडा भी बाहर आ गया था पर तभी सैम एक बड़े सूरे से एनाकोंडा का सिर काट देती है। फिर भी वहां एक दूसरा एनाकोंडा सांप आता है और वह कॉल को खींचकर ले जाता है। बिल उसके पीछे ही था। वो देखता है कि वो सांप पेट पर था और उसने कॉल को पूरी तरह से फंसा लिया था। एनाकोंडा कॉल को निगलने ही वाला था तभी बिल एक चाकू सीधा एनाकोंडा के सिर पर मारता है। तब एनाकोंडा मारा जाता है और कॉल आखिर बच जाता है। वही जैक को दिखाया गया है। वो मैप में ब्लड ऑर्चिड की लोकेशन देखता है। थोड़ा आगे जाने पर ठीक उसके सामने बहुत सारे ब्लड ऑर्चिड फूल थे। आखिर जैक की तलाश खत्म हुई थी। इस फूल के जरिए वो मालामाल बनने वाला था। बिल और बाकी सब लोग जैक तक पहुंच गए थे। वो सब नाव लेकर वहां से निकलना चाहते थे पर जैक को पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सब उस नाव तक पहुंच गए थे और बस वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर जैक आ जाता है। उसके पास जॉन की गन थी। वो बिल पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। अब जैक गन पॉइंट पर सब लोगों को उस फूल के करीब लेकर आता है। सैम देखते हैं कि फूल तक पहुंचने में खतरा था क्योंकि नीचे बहुत सारे एनाकोंडा सांप थे। जैक बिल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वही वो गेल से कहता है कि वो कॉल को बांध दे। वो गेल और कॉल को एक जगह बैठने के लिए कहता है। वही जैक सैम को एक बैग देता है और उसे ब्लड ऑर्चिड फूल उस बैग में लाने के लिए कहता है। सैम उसे मना करती है पर जैक उसे कहता है कि अगर उसने फूल नहीं लिए तो वो सबको मार डालेगा। अब ना चाहते हुए भी सैम को जैक की बात माननी पड़ी और वो धीरे धीरे एक बड़े कटे हुए पेड़ पर से ब्लड ऑर्चिड तक पहुंच जाती है और वो फूल बैग में डालने लगती है। अब वो फूल लेकर वापस आ रही थी तभी वो कटा हुआ पेड़ टूटने लगता है। सैम वो बैग जैक की ओर फेंकती है पर तभी बिल जैक पर हमला करता है। तब वो बैग नीचे गिरती है और उसमें से वह जहरीला स्पाइडर बाहर आ जाता है। बिल ऑलरेडी घायल था तो जैक उसको मारने लगता है। वही जैक देखता है कि वो बैग अभी एक जगह फंसी हुई थी तो वह उस बैग को वहां से निकाल लेता है पर तभी वो जहरीला स्पाइडर उसे काट लेता है। अब उसकी असर से जैक पैरालाइज होने लगता है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो सीधा नीचे एनाकोंडा सांपों के बीच जाकर गिरता है। वही वो पेड़ टूट जाता है तो सैम भी नीचे गिरती है पर उस वक्त सभी एनाकोंडा जैक का शिकार करते हैं। तब सैम वहां से बाहर आ जाती है पर एक एनाकोंडा वहां से बाहर आ जाता है। वो बस हमला करने ही वाला था तभी कॉल एक फ्यूल टैंक उस एनाकोंडा के मुंह पर फेंकती है और तब कॉल सीधा गोली उस एनाकोंडा के मुंह पर चलाता है। वो सांप सीधा नीचे बाकी एनाकोंडा के बीच गिरता है और वहां पर बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से वह जमीन धंसने लगती है। डोलचित के साथ वो सारे एनाकोंडा सांप वहां नीचे फंसकर मारे जाते हैं।
अब वो सब उस नाव के जरिए वहां से बाहर आ जाते। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था और बस यहीं पर एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड मूवी खत्म हो जाती है। यही पर एनाकोंडा द हंट फॉर ब्लड ऑर्चिड मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।